नमस्कार। कहा जाता है स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, लेकिन कई बार समाज में गलत सामाजिक मान्यताओं की वजह से लोग अस्वस्थता में ही डूबे रहते हैं। यकीन नहीं आ रहा है ना? चलिए देखते हैं ढोलकपुर के एक घर की वास्तविकता। कितनी बार बोला मेरे पापा से दूर रहा करो। आइए आइए सरपंच जी। जी जी आया। रामू बेटा, मैंने कहा था ना, कितने दिनों से ऐसे ही कहां से जा रहा है? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर ये कौन है? जी मैं आशा वर्कर हूँ। मैं इनको बोल बोल के थक गई हूँ और आजकल तो रोज शाम को बुखार आ जा रहा है। और देखो कितना दुबला हो गया है ये। हाँ पापा, शाम को पसीना पसीना भी हो जाते हैं। भाभी, क्या आपने रामू जी की टीबी की जांच करवाई? कुछ नहीं करवाया इसने अभी तक। पर उसके लिए तो शहर जाना पड़ेगा ना बेटा, यही प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्र में ही हो जाएगा। तो चलो हम उधर चलते हैं। रामू को PHC भेजा और वहाँ पर उसका एक्सरे रिपोर्ट करवाया। वो पॉजिटिव आने के बाद वहाँ के मेडिकल ऑफिसर ने उसका स्पूटम सैंपल लिया और नजदीक के DTC में भिजवाया। इसके बाद वो सैंपल का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने के बाद रामू को सलाह दी गई कि वो जिला क्षय केंद्र यानी DTC में जाए और वहाँ पे जांच करवाए। क्या नाम है आपका चाचा? रामू भैया। अच्छा, आप किस गांव से हो? ढोलकपुर से। आपको क्या हुआ है? खांसी हुई है, बुखार हुआ है, फिर शाम को बहुत पसीना आ जाता है। आप PH से गए थे ना, वहाँ आपको कुछ रिपोर्ट दिए होंगे उन्होंने, वो बताइए। देखिए आपको ना TB पॉजिटिव आया है, सो उसके लिए आपको यहाँ इलाज कराना होगा। लेकिन साहब मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, मैं आके करूँ क्या? अरे चाचा आप डरिए मत, देखो अभी ना प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान चल रहा है, तो उसके मुताबिक आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हिम्मत इकट्ठा करनी है और यहाँ आना है। और अगर आप चाहें तो मैं अपनी TB टीम को आपसे मिला देता हूँ, जो आपको सब समझा देंगे। नमस्ते। देखिए ये हमारे TB एक्शन ग्रुप की एक सदस्य है, जो आपको आगे की योजना के बारे में बताएगी। चलो मैं आपको योजनाओं का परिचय दिलाती हूँ। तो ये है पहली योजना, निक्षय पोषण योजना। और मैं हूँ इनकी काउंसलर। जी मैं यहाँ 2 महीने से अपना क्षय का इलाज करा रही हूँ और इनको इसी निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत पैसे भी मिलते हैं। जी कितने मिलते हैं? 500 रुपये मिलते हैं और उसमें से मेरे आने जाने का खर्च निकल जाता है और बाकी दवाइयाँ तो यहीं से मिलती है। तो ये है दूसरी योजना, निक्षय मित्र योजना। नमस्कार, मेरा इलाज पिछले 6 महीने से चल रहा है और ये मुमकिन हो पाया है इनकी वजह से। जी हमारे जैसे कई NGO निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत ऐसे कई मरीजों को गोद लेते हैं और हर महीने अनाज, वनस्पति घी, मूंगफली, फल फूल आदि जैसे उपलब्ध कराते हैं और मरीजों को अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा सके उसके लिए काबिल बनाते हैं और उन्हें रोजगार, पोषण और डायग्नोस्टिक के स्तर पर भी मदद करते हैं। आपको हर बार इधर आने की जरूरत नहीं है, ये सारी सुविधाएं फोन पर भी उपलब्ध है। हाँ आप हमें अपने घर से निक्षय संपर्क हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और विशेषज्ञों की जानकारी से आप अपना इलाज और भी बेहतर बना सकते हैं। आप सरकार द्वारा बनाई गई ऐप TB आरोग्य साथी का इस्तेमाल करके TB और आपके इलाज की पूरी जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप का लाभ 1 लाख से ज्यादा ऑलरेडी ले रहे हैं। तो ये थी सारी महत्वपूर्ण योजनाएं। हाँ चाचा, तो आप राजी हो ना योजना के लिए? जी साहब, मुझे तो पता ही नहीं था इस योजनाओं के बारे में, अब मुझे भी पता चल गया, मैं भी अपना इलाज करवाऊंगा, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। अच्छा चाचा, तो हम कल से अपना इलाज शुरू करते हैं। ठीक है। 6 महीने बाद जब रामू का रिपोर्ट आया तब वो क्षय मुक्त जाहिर किया गया और वो और उसका परिवार मेडिकल ऑफिसर को धन्यवाद देने के लिए DTC में आते हैं। कैसे हो चाचा? अब मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। मुबारक हो,
अब आप टीबी मुक्त हो गए हो। शुक्रिया डॉक्टर अंकल, आपने मेरे पापा को बचा दिया। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया कैसा? अगर तुमको शुक्रिया कहना है तो तुम इन सभी लोगों का करो। अरे जहाँ आज लोग हम जैसों से दूर भागते हैं, वहाँ आप देवता बनकर हमारा इलाज करते हो और अपने आप का भी नहीं सोचते। कभी कभी इलाज में बहुत महीने चले जाते हैं, हम लोग दवाई लेकर थक जाते हैं, लेकिन आप लोग हमारा इलाज करते करते नहीं थकते। इसी जज्बे के साथ आज भारत में 85% लोग क्षय मुक्त हो सकते हैं। हाँ, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत भारत को 2025 तक क्षय मुक्ति कर सकते हैं। जन जन जो सुनना है टीवी को बताना है।